आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम वैरिनस की फोर लिम्ब बोन्स पढ़ेंगे। वैरिनस की जो फोर लिम्ब बोन्स हैं उनमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और फोर फुट या हैंड की बोन्स आती हैं। सबसे पहले हम ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमरस अपर आर्म की बोन होती है और ये एक सिंगल बोन होती है। इसके दोनों जो एंड्स होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड पर हेड होता है और ये हेड आर्टिकुलेट होता है या फिट होता है ग्लेनोइड कैविटी में पेक्टोरल गर्डल की। हेड और मीडियल प्रोसेस के बीच में एक बिसिपिटल फॉसा पाया जाता है। प्रॉक्सिमल एंड पे एक डेल्टॉइड रिज होती है, शेफ्ट है और डिस्टल एंड जो होता है उसमें पुली लाइक ट्रॉक्लिया पाया जाता है और उसमें दो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं रेडियस और अल्ना के लिए। दूसरी जो बोन है वो है रेडियस अल्ना बोन। रेडियस और अल्ना दोनों अलग अलग बोन्स है, जबकि फ्रॉग में हमने देखी थी वो बोन्स जो थी वो कैसी थी, वो जो बोन्स थी वो जॉइंटेड थी या हम कहें फ्यूज्ड बोन थी। पर यहाँ हम देख रहे हैं रेडियस और अल्ना दोनों अलग अलग बोन है। रेडियस जो है वो थोड़ी सी स्लेंडर या पतली बोन होती है और स्लाइटली कर्व्ड आप देख रहे हैं ये बोन है। और रेडियस जो बोन होती है उसमें एक शेफ्ट होता है और ये दो इसके अंदर एपिफाइसेस होते हैं, दो एपिफाइसेस होते हैं और डिस्टल एंड जो होता है उसमें कॉनकेव आर्टिकुलर फेसेट होता है। अल्ना बोन जो होती है वो रेडियस से थोड़ी मोटी होती है, इट इज़ ए थिक बोन और उसके एंटीरियर एंड पर एक ओलीक्रैनन प्रोसेस पाया जाता है और डिस्टल एंड पर उसमें एपिफाइसेस होते हैं और कॉनकेव इसमें कॉनकेव था इसमें कॉन्वेक्स आर्टिकुलर फेसेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर दी कार्पल्स। कार्पल्स जो होते हैं उससे यूनाइट होते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर कॉन्वेक्स आर्टिकुलर फेसेट इसके अंदर पाया जाता है। अब हम देखेंगे हैंड की बोन। तो इसमें जो रिस्ट होती है, रिस्ट वो 10 पॉलीहेड्रल बोनी कार्पल्स की बनी हुई होती है और ये जो बोनी कार्पल्स होते हैं ये दो रोज में अरेंज्ड होते हैं, एक प्रॉक्सिमल रो होती है और दूसरी डिस्टल रो होती है। प्रॉक्सिमल रो में 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है रेडियल, दूसरा होता है अल्नेर और तीसरा होता है इंटरमीडियम। तो 3 रोज में प्रॉक्सिमल रो में 3 कार्पल्स होते हैं। उसकी नीचे वाली रो होती है डिस्टल रो में 5 कार्पल्स होते हैं और दोनों ही रोज के बीच में सेंट्रल होता है और जो अल्ना का एपिफाइसिस होता है उसके नीचे पीसी फॉर्म पाया जाता है। 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं और 5 डिजिट्स पाई जाती हैं और हर एक डिजिट में फैलेंजेस होते हैं। तो पहली जो डिजिट होती है उसमें 2 फैलेंजेस होते हैं, दूसरी में 3 फैलेंजेस होते हैं 1, 2, 3, तीसरी में 4 फैलेंजेस होते हैं, चौथी में 5 फैलेंजेस होते हैं और पांचवी में 3 फैलेंजेस होते हैं और हर एक फैलेंज में एक क्लॉ प्रेजेंट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हर एक में एक कर्व्ड क्लॉ प्रेजेंट होता है। तो ये जो बोन्स हैं फोर लिम्ब बोन्स हैं वैरिनस की। हॉर्निक्लॉ इसके अंदर है हर एक में, फोर लिम्ब बोन्स ऑफ वैरिनस। तो आपको फोर लिम्ब बोन्स वैरिनस की अपने रिकॉर्ड में बनानी है, वेल लेबल डायग्राम बनाना है
और उसके कमेंट्स भी लिखने हैं। अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखें, समझें, ये आपके ऑस्ट्रोलॉजी थ्योरी में भी कोर्स में है।